बिलासपुर में डेंगू ग्रस्त एरिया डियारा सेक्टर में विधायक सुभाष ठाकुर, जिलाधीश विवेक भाटिया, एडीएम विनय कुमार व एसडीएम प्रियंका वर्मा संग स्वास्थ्य मंत्री खुद हालत का जायजा लेने पहुंचे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि लोगों से घर घर जाकर बातचीत की गई है, अब काफी हद तक लोगों के स्वास्थ्य में सुधार भी हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द ही डेंगू पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इससे पहले अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के हर एक जिला में हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 300 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियों को लेकर प्रोसेस जारी है। साथ ही पिछले दिनों आपातकालीन सेवा 108 की हड़ताल के चलते प्रभावित व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कंपनी की ओर से मांगे पूरी करने के चलते अब कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कर दी गई है और वे काम पर लौट आए हैं। यही नहीं, सस्पेंड किए गए 3 दर्जन के करीब कर्मचारियों को भी बहाल कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रदेश में आपात सेवा सुचारू रूप से कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी इस बात को लेकर के चिंता प्रकट की है कि इस डेंगू को लेकर के जल्दी से जल्दी रोकथाम के प्रयास किए जाए। हमने उनको रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और उनसे मैंने आग्रह किया कि एनसीडीसी ऐसा करके जो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल, वो कुछ डॉक्टर्स कल की तारीख में यहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं सारी रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भेजने वाला हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा है और उन्होंने यही कहा है कि आप मौके पर जाएं, देखें, और जो हिमाचल प्रदेश विशेष करके जो हमारा विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसकी तरफ से जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। कुल मिलाकर के एक ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस डेंगू को लेकर के हम भयभीत ना हो, सफाई की तरफ जरूर ध्यान दें, चाहे अपने घर की हो, आस पड़ोस की हो, पंचायत की हो, बाढ़ की हो, ये मैं कहना चाहता हूं। गौरतलब है कि बिलासपुर में बड़े स्तर पर सामने आए डेंगू के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम डेंगू रोग पर नियंत्रण को लेकर कार्य कर रही है। शिमला IGMC से भी विशेषज्ञों की टीम ने जायजा लेने के बाद रोग नियंत्रण के लिए अवश्य सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के कर्मचारी संयुक्त रूप से जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को दिल्ली से NCDS की टीम बिलासपुर पहुंच जाएगी। कुछ टीमें शिमला में सर्च करेंगी और एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले में वे संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी गंभीर हैं और वे आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं।